नबी के जाने के बाद उस नबी की कौम में थोड़े बहुत आमाल का असर बाकी रह जाता था, थोड़ा बहुत असर बाकी रह जाता था। लोग आमाल करते थे, अगर जो आमाल रस्मी होते थे, लेकिन कुछ ना कुछ पिछले नबी के आमाल का असर कौम में बाकी रह जाता था। हमने अर्ज किया कि दावत दी यूशा बिन नून ने, उन्होंने दावत को कबूल न किया, मुकाबले पर आ गए तो इधर असर की नमाज, इधर असर की नमाज और उधर दुश्मन मुकाबले पर। ए अल्लाह, असर की नमाज पढ़ते हैं तो दुश्मन का खतरा, असर की नमाज पढ़े तो दुश्मन का खतरा, और अगर दुश्मन से मुकाबला करें तो असर की नमाज के फजा होने का खतरा। बहुत अहम बात है, मुसलमान अभी इस परेशानी में आया नहीं, मुसलमान अभी इस परेशानी में आया नहीं। वहां तो सारा बातिल मुकाबले पर है, सारा बातिल मुकाबले पर है, जान का खतरा है। वहां सोच रहे हैं असर की नमाज के क्या होगा, यहाँ एक छोटी सी दुकान लेके बैठा हुआ है और सोच रहा है कि नमाज पढ़ू या दुकान देखूं। अजीब बात है, ये तो बेचारा अभी अजबाब के मुकाबले नमाज को सोच रहा है, और वहां मुसलमानों की जमात वो तलवारों के साए में असर की नमाज सोच रहे हैं कि असर का क्या होगा। सोचो वो क्या सोच रहे हैं, असर का क्या होगा, असर की नमाज का क्या होगा। यहाँ छोटी सा खोखा लिए बैठा है दुकान का, किसने भी सोचेगा कि नमाज छोड़ दूं, सबक अख्तियार कर लूं। वहां नमाज और किताल दोनों जमा हो गए, ऐलान क्या करें। यूशा बिन नून ने कहा, ए अल्लाह, ये भी तेरा हुक्म कि हमको दावत दे और ये मुकाबले पर आ गए, ये भी तेरा हुक्म, और असर की नमाज ये भी तेरा हुक्म, दोनों को हम कैसे जमा करें। फर्क वैसे कि इतना फर्क है कि हम तेरे लिए हैं, इसलिए कि अल्लाह ने इंसान को बनाया है अपने लिए, कायनात को बनाया है इंसान के लिए। ये इतना बड़ा फर्क है कि अगर ये फर्क समझ में आ जाए तो फिर सारी कायनात पर मुसलमान बादशाह होगा, सारी कायनात के निजाम पर मुसलमान बादशाह होगा। जैसे पूरे मुल्क की रियाया बादशाह के हुक्म पर चलती है, इस तरह सारी कायनात का निजाम मुसलमान की चाहत पर चले, अगर ये बात समझ आ जाए। ये कहा यूशा बिन नून ने, ए अल्लाह, हम तेरे लिए और सूरज हमारे लिए, फर्क इतना बड़ा है, हम तेरे लिए हैं, सूरज हमारे लिए है, जब ये हमारे लिए काम कर रहा है हम तेरे लिए काम कर रहे हैं, तो सूरज की क्या हैसियत है, तो सूरज की क्या हैसियत है। अल्लाहुम्मा हदिसा, ए अल्लाह, सूरज को यहाँ रोक दे। अल्लाहुम्मा हदिसा, ए अल्लाह, सूरज को यहाँ रोक दे, जब तक हम दुश्मन से फारिग होकर, फतह होकर असर न पड़ लें, सूरज हरकत न करे। रिवायत में है, सूरज छिड़ गया, मुंतजिर है सूरज, छोटी सी जमात का सूरज इंतजार कर रहा है कि जब तक ये दुश्मन दर फतह हासिल न कर ले, फिर उसके बाद असर न पड़ ले, उस तक सूरज चलेगा नहीं। सूरज छेरा रहा अपनी जगह, यहाँ तक के इन्होंने असर की नमाज पढ़ी, उसके बाद सूरज हरकत में आया। एक सहाबी मुशरिकीन की कैद में,
कैद क्यों हुई? दावत की वजह से कैद क्यों हुई? दावत की वजह से कैद क्यों हुई? दावत की वजह से। लड़ाई सारी इसी पर थी कि तुम एक अल्लाह की तरफ दावत न दो, करो इबादत किसी को आने में बैठकर, दावत न दो। उसी की कैद में चले गए, मुशरिकीन की कैद में चले गए। वहां जेल में इनको कैद के अंदर सिर्फ पीने के लिए पानी दिया जाता था, सिर्फ पीने के लिए पानी दिया जाता था, थोड़ा पानी पीने के लिए। इन्हें जेल के अंदर गुस्ल की हाजत पेश आ गई, हे अल्लाह मुझे तो नमाज पढ़नी है, मुझे तो नमाज पढ़नी है और गुस्ल करना है इसके लिए, पर पानी चाहिए। पानी दिया जेलर ने, तो पीने के लिए थोड़ा सा पानी मिला। इन्होंने कहा कि मुझे पानी चाहिए गुस्ल के लिए। उसने कहा नहीं, गुस्ल के लिए पानी नहीं मिलेगा, गुस्ल के लिए पानी नहीं मिलेगा, गुस्ल के लिए पानी नहीं मिलेगा। सहाबी ने कहा कि अगर तुम पानी गुस्ल के लिए नहीं देते हो तो मुझे पीने का पानी, दो दिन का पानी एक साथ दे दो, दो दिन का पानी इकट्ठा दे दो, दो दिन का पानी एक दिन में दे दो, मैं दो दिन तक प्यास को सबर कर लूंगा लेकिन नमाज को नहीं छोड़ सकता। दो दिन 48 घंटे आदमी प्यासा रह ले ये तो आसान है, लेकिन एक नमाज कजा हो ये नहीं। जेलर ने कहा नहीं, आज का पानी आज मिलेगा, कल का पानी कल मिलेगा, हम दो दिन का पानी एक साथ नहीं देंगे। कोशिश कर ली और ये आजम कर लिया कि ठीक है, आज का पानी आज मिले उसे हम रख लेंगे, कल का पानी कल मिलेगा उसे जमा कर लेंगे, लेकिन प्यास को सबर कर लेंगे। तभी इसी फिक्र में थे, अल्लाह ने बादल को हुक्म दिया कि जाए बादल और जेल में दाखिल।